हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी अच्छी सोच ही हमें ज़िंदगी में कामयाब बनाती है। आपकी ज़िंदगी में आई कोई भी समस्या आपके लिए हजारों ऐसे रास्ते खोल देती है जिन पर चलकर आप उसे सोल्व कर सकते हैं। यही बात अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गाँव में एक राक्षस रहता था जिससे हर कोई डरता था, क्योंकि उस राक्षस ने पूरे गाँव में आतंक मचा रखा था। एक दिन गांव में एक लड़का आया। उसने भी उस राक्षस के बारे में सुना और लोगों के अंदर उस राक्षस के प्रति खौफ भी देखा। उसने सभी गांव वालों से पूछा कि तुम इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं और इसे मार क्यों नहीं देते। गांव वालों ने कहा कि तुम मूर्ख जैसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वह राक्षस इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। यह सुनकर लड़के ने कहा, अगर हम इसी बात को दूसरे तरीके से सोचें तो हकीकत कुछ और ही है। अगर हम सभी राक्षस पर निशाना लगाएंगे तो हमारा निशाना नहीं चुकेगा, क्योंकि राक्षस बड़ा है। और फिर लड़के ने राक्षस को एक गुलेल से ही मार डाला। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि हमारी सोच ही कामयाब होने के लिए रास्ता निकालती है। इस कहानी में राक्षस एक ही था, लेकिन लोगों का और उन लड़कों का सोचने का तरीका अलग अलग था, और अपनी सोच के कारण ही वह लड़का उस राक्षस को मारने में सफल हो पाया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो किसी और के काम भी है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।